हेलो दोस्तों, मैं प्रबल सिंह राणावत एक बार फिर आपके सामने ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल हमने आंतरिक प्रवाह की नदियों को कंप्लीट करने के बाद हमने बनास और बनास की सहायक नदियां पढ़ी। दोस्तों, आज हम चंबल नदी को पढ़ेंगे, इसको भी दो पार्ट में पढ़ेंगे। एक इसकी सहायक नदियों को बायमेप और आज चंबल की मुख्य मुख्य विशेषता को पढ़ेंगे कि अधिकतम से अधिकतम चंबल पर कितने प्रश्न बनते हैं और कौन कौन से प्रश्न बनते हैं। दोस्तों, तो आओ इसकी शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यहाँ से मैं शुरुआत करता हूँ। दोस्तों, ये यहाँ से ये दोस्तों चंबल नदी का जो उद्गम है, दोस्तों ये इसका जो उद्गम है ये मध्य प्रदेश से होता है, एमपी से होता है, एमपी के इंदौर जिले से होता है, इंदौर जिले के महू तहसील से। दोस्तों, कहाँ से होता है? महू तहसील के। इस महू तहसील में दोस्तों एक पर्वत है जिसका नाम है विंध्याचल, और विंध्याचल पर्वत के यहाँ से एक जनापाव की पहाड़ियाँ, दोस्तों जनापाव की पहाड़ियों से निकलती है। दोस्तों, कहाँ से निकल रही है? जनापाव की पहाड़ियों से निकल रही है, और ये स्थल से यहाँ से लगाकर जहाँ से निकल रही है वहाँ से और यहाँ से ये 600 और 16 मीटर की ऊंचाई से निकल रही है। कितनी ऊंचाई से निकली है? 600 और 16 मीटर की ऊंचाई से निकलती है, और यहाँ से निकलने के बाद दोस्तों ये दोस्तों ठीक है, यहाँ से निकलने के बाद ये इंदौर हो गया, इंदौर के बाद में ये भिंड जिले में जाएगा, मध्य प्रदेश में। भिंड से दोस्तों ये मुरैना में आएगी, ये नदी कहाँ पर आ रही है देखना, यहाँ से निकलकर ये मुरैना में आ रही है, और मुरैना से निकलकर ये दोस्तों मंदसौर जिले में आ रही है, और मंदसौर जिले से दोस्तों ये वापस राजस्थान में प्रवेश करेगी। और राजस्थान में जो इसका प्रवेश है दोस्तों, राजस्थान में जो इसका प्रवेश है दोस्तों, इसका जो प्रवेश वो चित्तौड़ जिले से होता है। कहाँ से होता है दोस्तों? चित्तौड़ जिले से। और चित्तौड़ जिले में कहाँ से होता है दोस्तों? चित्तौड़ जिले के भैंसरोड़गढ़ तहसील से, भैंसरोड़गढ़ तहसील से होता। और तहसील में पर्टिकुलर जगह कहाँ से है? चौरासीगढ़ में ये प्रवेश करती है। इसी चौरासीगढ़ में दोस्तों इसी जगह पर यह नदी जबरदस्त नीचे आके वापस ऊपर की ओर बढ़ती है, तो यहाँ से यहाँ पर एक ये चूलिया प्रपात बनाती है चित्तौड़ में। कौन सा प्रपात बनाती है दोस्तों? चूलिया प्रपात बनाती है। चंबल नदी में मंदसौर के पास दोस्तों यहाँ पर एक मघार प्रपात भी बनता है। दोस्तों याद रखना, मध्य प्रदेश में प्रपात बनता है, एमपी के अंदर। इसी के मध्य प्रदेश में ही इसकी एक सहायक नदी है दोस्तों, यहाँ पर इसका नाम है शिप्रा दोस्तों, जिस पर उज्जैन इस नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों, कौन सी नदी है दोस्तों? शिप्रा, जिसके तट पर उज्जैन स्थित है दोस्तों, वही महाकालेश्वर मंदिर वाला उज्जैन दोस्तों, ये दोस्तों। और सिप्री नामक स्थान से दोस्तों ये निकलती है, और ये जो चूलिया जलप्रपात है दोस्तों ये 18 मीटर ऊंचा, यानी कि 54 फीट दोस्तों। ओके, कितना है दोस्तों? 54 फीट है जो यहाँ से निकलता है। यहाँ से निकल चित्तौड़ से प्रवेश के बाद में यहाँ कौन सा प्रवेश हो गया दोस्तों? चित्तौड़। ये राजस्थान के 6 जिलों से गुजरती है। कितने जिलों से गुजरती है? 6 जिलों से गुजरती है। 6 जिले कौन से दोस्तों? चित्तौड़ से प्रवेश हो गए, चित्तौड़ के बाद में ये कोटा में जाएगी, कोटा के बाद में ये बूंदी में जाएगी दोस्तों। कहाँ पे जाएगी? बूंदी में। बूंदी के बाद में ये सवाई माधोपुर में जाएगी, सवाई माधोपुर में जाएगी। ठीक है दोस्तों, सवाई माधोपुर के बाद में ये करौली, करौली के बाद में ये धौलपुर में जाएगी। तो ये राजस्थान के 6 जिले हो गए। तो राजस्थान के कितने जिलों से गुजर रही? 6 जिलों से दोस्तों। और इसकी जो कुल लंबाई है दोस्तों, यहाँ से लगाकर यहाँ धौलपुर में से तो बाहर निकलकर ये इटावा में प्रवेश करेगी। कहाँ पर प्रवेश करेगी? इटावा में।
इटावा के मुरादगंज में, मुरादगंज तहसील में, ये चेचक नगर में, किस नगर में, चेचक नगर में, ये यमुना में गिर जाएगी, यमुना में गिर जाएगी दोस्तों। ध्यान रखना ये यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है, और यमुना वापस किस में गिरेगी दोस्तों, ये यमुना गिरेगी गंगा में दोस्तों, इलाहाबाद प्रयाग में जाकर ये वापस उसमें गिर जाएगी। और ये इसे तो यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक हो जाएगी, और जो चंबल है वो यमुना की सबसे बड़ी सहायक होगी, और चंबल की जो सबसे बड़ी सहायक होगी वह होगी दोस्तों बनास। बनास ये सहायक नदियों वाला टॉपिक हम दोस्तों कल लेंगे, तो इस पर ध्यान रखना। ये छह जिलों में प्रवेश करती है, ये कोटा और बूंदी दोस्तों, यहाँ पर ये कोटा जिला भी है, इधर भी लिखा मैंने, इधर ये कोटा और बूंदी के बीच में केवल सीमा बनाता है, क्या बनाता है, सीमा बनाता है दोस्तों, सीमा बनाता है दोस्तों, बनाता है, ठीक है दोस्तों। ये बूंदी के अंदर नहीं जाती, ये एक बार आरएस में प्रश्न आ चुका है दोस्तों। और ये कि ये छह ऑप्शन थे, चित्तौड़ था, कोटा था, बूंदी था, सवाई माधोपुर था, करौली और धौलपुर, इनमें से यहां तक के चार ऑप्शन आरएस प्री में उठाए थे, और फिर यहां से पूछा कि चंबल नदी निम्नलिखित में से किस में नहीं जाती है, तो दोस्तों ध्यान रखना बूंदी में नहीं जाती, बूंदी की सीमा बनाती है दोस्तों। फिर दोस्तों देखना, ये दक्षिण से प्रवेश होकर पूर्व की ओर जाती है, किस ओर जाती है, दक्षिण से प्रवेश होती है और पूर्व की ओर बढ़ती है दोस्तों, ये ध्यान रखना दोस्तों। ये राजस्थान की एकमात्र, राजस्थान की एकमात्र बारहमासी नदी, इसके यदि उपनाम की बात करें दोस्तों, उपनाम की, तो ये राजस्थान की एकमात्र बारहमासी यानी प्रति वर्ष बहती है, यानी कि नित्य वाहिनी, क्या बोलेंगे, नित्य वाहिनी, या अगर नाम मिले सदा वाहिनी, सदा वाहिनी, वाहिनी। ये दोस्तों राजस्थान में सिंचाई लिफ्ट परियोजना आती है, बहुत ज्यादा काम आती है, इसीलिए राजस्थान का इसको काम धेनु भी कहा जाता है दोस्तों, क्या कहा जाता है दोस्तों, काम गंगा। महाभारत काल में इसको मालव गंगा के नाम से भी जाना गया, मालव गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और जो चंबल नदी इसका जो नाम पड़ा दोस्तों, वह पड़ा है सरमणवती के कारण, सरमणवती भी कहा जाता है, इसी सरमणवती के कारण ही इसको हम चंबल नदी के नाम से जानते हैं दोस्तों। दूसरा ये नदी दोस्तों ध्यान रखना, ये राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, राजस्थान की सबसे लंबी नदी है दोस्तों, लंबी नदी है दोस्तों, यानी कि 135 किलोमीटर तो ये राजस्थान के अंदर चलती है, 135 और 241 किलोमीटर ये राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में सीमा बनाती है। वैसे यहाँ से अगर ये सीमा जो बनाती है 241 किलोमीटर, वैसे इसकी कुल जो लंबाई है वह 252, इस प्रकार इसकी कुल राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में चलने पर इसकी, राजस्थान के अंदर ये केवल 135 किलोमीटर चलती है, यानी कहाँ कहाँ पर, चित्तौड़ में प्रवेश करेगी, कोटा में, बूंदी में और सवाई माधोपुर, और सवाई माधोपुर से दोस्तों ये वापस मध्य प्रदेश में चली जाती है, और इन राज्यों के साथ सीमा बनाती है हमारे, किसकी सीमा बनाती है, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के अंदर भी चलती है लेकिन सवाई माधोपुर से बाहर निकल जाती है, और फिर सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर के साथ ये 241 किलोमीटर की सीमा बनाती है। ये दोस्तों जो सीमा है ये किसी भी नदी द्वारा बनाई गई भारत की सबसे ज्यादा अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है दोस्तों, ये है चंबल नदी। एक दोस्तों इसकी सहायक नदी और आएगी जिसका नाम है पार्वती, क्या दोस्तों, पार्वती। ये पार्वती नदी जो है मध्य प्रदेश से आती है, सीहोर से आती है, और आने के बाद दोस्तों ये भी 58 किलोमीटर तक मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा बनाती है, 12 में प्रवेश करती है, फिर 12 और मध्य प्रदेश के साथ ये 58 किलोमीटर तक सीमा बनाती है। तो एमपी से आने वाली दो नदियां दोस्तों हमारे साथ सीमा बनाती है, एक चंबल और एक ये दोस्तों, ओके। अब दोस्तों ये प्रवाह की दृष्टि से या अपवाह की दृष्टि से, अपवाह की दृष्टि से ये राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है, और वो है 20.90% जल लेके जाती है दोस्तों। मैंने एक आपको ट्रिक्स बताया था, चलो बमास,
मतलब राजस्थान के अपवाह की दृष्टि से बड़ी बड़ी नदियां कौन सी, तो चंबल 20 पॉइंट, लूणी 10.41, बनास 9.80, माही 4.95% और साबरमती जो है वो 1%। एक बार वापस चलूंगा, अपवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी चंबल 20.9, लूणी जो लेके जाती है वह 10.41, बनास जो लेके जाती है 9.85%, माही जो लेके जाती है 4.9% और साबरमती 1% जल लेके जाती है। ये राजस्थान में अपवाह की दृष्टि से दोस्तों बड़ी नदियां जो आपको ध्यान रखना कि ये बड़ी नदियां कौन कौन सी है ये आप ध्यान रखना। ये सतही जल लेकर राजस्थान में जो सतही जल है वो कुल सतही जल जो है दोस्तों, कुल सतही जल वो राजस्थान में 1.16%, और इस 1.16% का 1.05% अकेला चंबल लेके जाती है दोस्तों। अब ये सतही जल कौन सा, वह जल जो इसके ऊपर ऊपर तक रहता है और फिर बूंदों के रूप में वापस इसी में गिर जाता है, तो वह है इसका सतही जल दोस्तों। अब देखना दोस्तों, ये जब चित्तौड़ से प्रवेश करने के बाद जब कोटा और बूंदी में जाती है तो यहां पर यह नदी कंदराओं का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, कंदराए का निर्माण करती है। तो ये कंदराए दोस्तों जो सबसे ज्यादा जो कंदराओं का निर्माण करती है, कंदराओं का निर्माण करती है सबसे ज्यादा कंदराओं का निर्माण वो करती है सबसे ज्यादा कोटा में करीबन 1,92,000, और दूसरे स्थान पर दोस्तों बूंदी है जो ये कंदराओं का निर्माण करती है अंदर अंदर गहरे गहरे करते। तो आपसे पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा कंदराओं का निर्माण कहाँ करती है, तो ये कोटा और बूंदी में सबसे ज्यादा इसके कंदराओं का निर्माण होते हैं। एक दोस्तों इस नदी द्वारा सबसे ज्यादा अपरदन किया जाता है जलीय अपरदन, तो अवनलिका, अवनलिका जो अपरदन है वह इस पर सबसे ज्यादा होता है दोस्तों, ये ध्यान रखना, चंबल नदी पर सबसे ज्यादा होता। अब देखना दोस्तों, मैंने कहा ये कंदराओं का निर्माण करती है, तो बूंदी के अंदर देखना ये गार्ज का निर्माण करती है, गार्ज जिसको हम कैनियन भी कह सकते हैं, कैनियन भी कह सकते हैं, जिसको हमें स्थानीय भाषा में बिहड़ कहते हैं दोस्तों। तो ये सबसे जो गहरा जो गार्ज है ये वाला, यहां पर देखना दोस्तों ये स्थल भाग हो जाती है और इतना नीचे एक गहरा गार्ज बना देती है, और ये केसराय पाटन में बनता है, केसराय पाटन में बनता दोस्तों, जो सबसे गहरा गार्ज है 113 मीटर गहरा दोस्तों, सबसे गहरा कहाँ बनाती दोस्तों ये। अगर लेकिन देखना दोस्तों, इसको स्थानीय भाषा में नहीं कहा बीहड़ कहते हैं, लेकिन जो बीहड़ का सर्वाधिक बीहड़ का निर्माण जो करती है वो करती है दोस्तों इसे सवाई माधेपुर में। सवाई माधेपुर में बीहड़ किसको कहते हैं, ये क्यों मतलब ये जैसे मैं आपको बता, चंबल नदी यहाँ पर बह रही है, चंबल नदी यहाँ पर बह रही है और स्थल इतना भाग ऊंचा, स्थल कितना, ये स्थल है, स्थल यहाँ पर, लेकिन बरसात में इस मिट्टी को काट काट कर इसका जो इस ये जो अंदर का जो भाग है वो इसके लेवल के बराबर कर देता है, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, बीहड़ कहते हैं। मतलब स्थल को किसके बराबर काट लेता है, जिस जितनी नीचे चंबल नदी बहती है उतना नीचे ये जमीन तक को काट लेता है, जिसको हम बीहड़ कहते हैं, भूगोल की भाषा में हम गार्ज कहते हैं, कैनियन कहते हैं दोस्तों ये। लेकिन जहाँ ये सबसे ज्यादा कहाँ पर है दोस्तों, बीहड़ सबसे ज्यादा कहाँ, प्रथम नंबर पे कहाँ, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। दूसरा स्थान किसका है दोस्तों, धौलपुर, ये ध्यान रखना। एक शब्द आता है दोस्तों, ये बीहड़ आ गया, एक अगर बीड़ आए तो बीड़ हम घास के मैदान को कहते हैं, बीड़ किसको कहते हैं, घास के मैदान को क्या कहते हैं दोस्तों, बीड़ कहते हैं, या ध्यान रखना दोस्तों। ओके, अब मैं दोस्तों देखना इसी चीज पे, जैसे सवाई माधोपुर में ये क्या करती है, सबसे ज्यादा बीहड़ का निर्माण करती है, लेकिन करौली के अंदर ये क्या करती है, ये ज्यादा गहरे नहीं बना पाती और ये कम बनाती है, इसको कहते हैं इस्तलाह करते, उत्खात, उत्खात इस्तलाह करते, इस्तलाह करते। ये सबसे ज्यादा कहाँ बनाती है दोस्तों, करौली में बनाते हैं, और ये कम गहरे होते हैं, इसको हम इस्तलाह उस्तलाह करते कहते हैं, और इसी क्षेत्र को दोस्तों ऐसी को कहते हैं हमारे स्थानीय भाषा में, इसको कहते हैं हम दोस्तों डांग कहते हैं। तो डांग का निर्माण कहाँ करती है दोस्तों, यहाँ पर करती है दोस्तों। ओके दोस्तों, तो ये था इसका ये। अब दोस्तों देखना, ये जो नदी है,
यहां से यहां तक जो बहती है, इस नदी के अंदर सबसे ज्यादा दोस्तों मगरमच्छ, क्या है, मगरमच्छ और घड़िया। यह राजस्थान का एकमात्र नदी है और पूरे भारत के एकमात्र नदी है जो जलीय अभयारण्य है। क्या है दोस्तों, जलीय अभयारण्य है दोस्तों। इस नदी में बहुत बारह मास से बहती है, इसलिए इसमें वाटर सफारी भी होती है। क्या होती है दोस्तों, वाटर सफारी भी होती है दोस्तों, ध्यान रखना। एक कोटा में पाया जाना उद बिला और घड़िया, इसकी ये चरण स्थली भी है, चरण स्थली भी है, ये ध्यान रखना। सबसे ज्यादा घड़ियालों के प्रजनन स्थली होती है दोस्तों, वो मैं अभी इस पे जो डैम पड़ेंगे उसमें मैं बताऊं, भैंसरोड़गढ़ में होता, लेकिन ये सबसे ज्यादा एक देखना, एक रामचरण व्यक्ति है, जब भी कभी एक व्यक्ति मतलब ये मगरमच्छ घड़ियाल गाँव में जो, तो वो इतनी प्रैक्टिस है दोस्तों कि वो इन नंगे हाथों से इनको पकड़कर वापस इनको गंतव्य स्थान पर छोड़ देता है। लेकिन दोस्तों आप लोग कभी भी जाओ वहाँ पर चंबल देख ले तो प्रैक्टिस ना करना, क्योंकि जीवन बहुत बड़ा अनमोल है दोस्तों, ये ध्यान रखना दोस्तों। दूसरी चीज मैं आपको बता देता हूँ कि इस नदी को यूनेस्को द्वारा नामित किया गया है। किसके द्वारा नामित किया गया, यूनेस्को द्वारा, धरोहर के लिए नामित करते हैं, अभी घोषित नहीं हुए लेकिन नामित जरूर करा दोस्तों, इसको ध्यान रखना, इसको नामित करा। और इस पर दोस्तों 8 लिफ्ट परियोजना, कितनी है, 8 लिफ्ट परियोजना दोस्तों, 8 लिफ्ट परियोजना। देखना एक इंदिरा गांधी लिफ्ट परियोजना भी है, इंदिरा गांधी लिफ्ट परियोजना भी जो सवाई माधोपुर के लिए बनी है, सवाई माधोपुर के लिए बनी है। अमूमन ये इसलिए लिखा रहा हूं दोस्तों कि ध्यान रखना, क्योंकि इंदिरा गांधी नहर पर, इंदिरा गांधी लिफ्ट आती है, हमारा माइंड कहाँ जाएगा, इंदिरा गांधी नहर पे जाएगा, लेकिन इंदिरा गांधी लिफ्ट परियोजना जो बनी हुई है वो चंबल पर बनी हुई है दोस्तों, और ये सवाई माधोपुर के लिए यहाँ से पानी सप्लाई होता, और इसी लिफ्ट परियोजना से दोस्तों अकाल के समय आपके भरतपुर के जो अपना बर्ड सेंचुरी है, घना केवला देवी घना पक्षी अभयारण्य, वहाँ पर भी पानी सप्लाई होता पशु पक्षियों के लिए दोस्तों, ये ध्यान रखना। इस नदी के साफ सफाई के लिए दोस्तों एक राजाड़ परियोजना भी चल रही है, राजाड़ परियोजना भी चल रही है, और ये राजाड़ परियोजना किसकी सहायता से चल रही है दोस्तों, जापान की सहायता से। किसकी सहायता से चल रही है दोस्तों, जापान की सहायता से। तो आप ध्यान रखना कि राजाड़ जो परियोजना है दोस्तों वह जापान सरकार की सहायता से चल रही है दोस्तों, ओके। इसमें देखना दोस्तों कुछ चीजें जो और है वो आपको ध्यान रखना। अब दोस्तों मैं इस पे जो बनने वाले जो डैम है, मैं उन डैम पे आता हूँ कि ये कौन कौन से जो डैम है वो परियोजना वो काफी मोस्ट भी है, और मैं इस पर आता हूँ दोस्तों, ओके। ये उद्गम स्थल वगैरह मैं अब इसमें थोड़ा सा मिटा देता हूँ दोस्तों। देखना दोस्तों मंदसौर के अंदर इस पर एक बांध बना हुआ दोस्तों, ध्यान रखना, और उसका नाम है गांधी सागर, गांधी सागर, ओके, गांधी सागर बांध जो इस पर बना हुआ मंदसौर के रामपुरा भानपुरा के अनुसार, रामपुरा व भानपुरा दोस्तों, ओके। और इसका और यहां पर कोटा बैराज दोस्तों, मैं यहां पर जो कोटा है, इस कोटा यहां पर बना हुआ कोटा बैराज, इस दोनों डैम का चरण प्रथम चरण में हुआ था दोस्तों, ध्यान रखना, गांधी सागर का और इसका कोटा बैराज का। ये 1954 से शुरू होकर 60 में इसका निर्माण हो गया था, और प्रथम चरण में, तो प्रथम चरण में कौन से बने थे, कोटा बैराज। इससे भी दो नदियां निकाली गई थी दोस्तों, एक एमपी के लिए नहरें निकाली गई थी, एक ये, और इससे भी दो नहरें निकाली गई थी दोस्तों, एक बूंदी तक जाती थी और एक एमपी तक जाती थी, कहां से, गांधी सागर में। और अगर इस पर जो मैं बोल रहा हूँ कि 4 डैम है, कितने डैम है मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, देखना एक ही है, कौन सा है, जो गांधी सागर, दूसरा कौन सा, कोटा बैराज। इसको मैं 7 इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये दोनों प्रथम चरण में बने थे। और दोस्तों यहाँ पर देखना दोस्तों, दूसरा जो बांध है वो आपके चित्तौड़ में बना था, यहाँ पर चित्तौड़ में जो बना था उसका नाम है दोस्तों राणा प्रताप सागर, कौन सा था, राणा प्रताप सागर। ये दूसरे चरण में बना था, कहाँ पर बना था दोस्तों, दूसरे चरण में, राणा
प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर। ये भराव क्षमता की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है दोस्तों। कितना है भराव क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है दोस्तों, याद रखना। और वैसे भी देखना कोटा बैराज जो है, अगर इसकी लंबाई चौड़ाई की बात करें तो राजस्थान में जो तीन डैम है, कोटा के अंदर ही एक में और यहाँ पर बना देता हूँ, कोटा के अंदर ही जवाहर सागर है, ठीक है दोस्तों, जवाहर सागर, जवाहर सागर, जवाहर सागर। ये इसलिए क्रम से पूछता, कभी कभी आरोही और अवरोही क्रम पूछ लेता है कि आरोही क्रम कौन सा, तो गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, कोटा बैराज, और अवरोही क्रम से पूछे तो आपको जवाहर सागर, कोटा बैराज, राणा प्रताप, गांधी। ये कई बार आरएस प्रीलिम्स सेकेंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में कई लॉट ऑफ टाइम पूछा है कि उद्गम की ओर, तो कि उद्गम बढ़ते हुए क्रम में तो कौन सा हो जाएंगे, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, कोटा बैराज और जवाहर सागर, और इधर से हो जाए तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा, तो आप ध्यान रखना दोस्तों। ओके, अब देखना यहाँ पर जो बिजली का उत्पादन होता है दोस्तों, वह होता है 115 मेगावाट। कहाँ पर? गांधी सागर पर। राणा प्रताप सागर पर होता है 172 मेगावाट, और जो जवाहर सागर पर होता है दोस्तों, वह होता 99 मेगावाट। अब देखो दोस्तों, देखना कोटा बैराज से होता है वो लिग्नेट कोयले से होता है, ठीक है दोस्तों, और इन दोनों से जलीय आधार पर होता, तो यह ध्यान रखना दोस्तों पूरी तरह से कि यहाँ पर होता है। और जब देखना अगर इसको पढ़े हम तो चंबल परियोजना क्या हो जाएगी दोस्तों, चंबल परियोजना, चंबल परियोजना, ठीक है ना। ये राजस्थान किसकी किसकी संयुक्त परियोजना है, तो राजस्थान व एमपी की दोस्तों। इसमें राजस्थान और मध्य प्रदेश का दोस्तों बराबर 50-50% का हिस्सा है। कितना है? 50-50% दोनों का हिस्सा है। और अगर 115, 172, 199, तो इस यहाँ पर जो कुल विद्युत का उत्पन्न, कुल जो विद्युत का उत्पादन होता है, कुल विद्युत का उत्पादन वह 386 मेगावाट होता है। और इसमें राजस्थान का जो हिस्सा है दोस्तों, राजस्थान का जो हिस्सा है वह है 50%, या इसका आधा कितना हो जाएगा, 193 मेगावाट इसका हिस्सा हो जाएगा दोस्तों, ये ध्यान रखना। अब देखना दोस्तों, ये विश्व की एकमात्र नदी है जिसके 100 किलोमीटर के दायरे में चार बांध बने हुए, कितने, देखना गांधी सागर और राणा प्रताप सागर के बीच में कितनी दूरी है दोस्तों, 48 किलोमीटर, कितनी है दोस्तों, 48 किलोमीटर, और राणा प्रताप सागर, एक मिनट दोस्तों मैं इसको, ठीक है दोस्तों, तो फिर इसके और इसके बीच में जो दूरी है वह हो जाएगी आपके, राणा प्रताप सागर और इसके बीच में जो दूरी है वह हो जाएगी आपके 36 किलोमीटर, और इसके बीच में जो दूरी है वह है 16 किलोमीटर। तो दोस्तों ये ध्यान रखना आप कि ये किस प्रकार कि इनके बीच में दूरी है और किस प्रकार की इसके बीच में परियोजना है, तो ये आप पूरी तरह से आप इन पर ध्यान रखना दोस्तों। एक बार पुनः बता देता हूँ कि देखना, मैंने जो मैप में बनाया बताया था इसके अनुसार ये कहाँ से निकल रही है, इंदौर के यहाँ से निकल रही है, जनापाव की पहाड़ियों से निकलने के बाद ये इसमें से मध्य प्रदेश में चलती है, मध्य प्रदेश में ये 345, इसकी जो कुल लंबाई है दोस्तों वह 965 पॉइंट समथिंग है, या तो इसको राइट कर दीजिए, और 964 किलोमीटर भी दोस्तों राइट है। ये राजस्थान के 6 जिलों में प्रवेश करती है, और ये पूर्ण मतलब ये दक्षिण से प्रवेश करके पूर्व की ओर से 12 निकलती है, ये सीमा बनाती है दोस्तों, तो ये ध्यान रखना। सीमा किसकी बनाती है? एमपी और राजस्थान के बीच में, और इसमें ये 12 मास बहने वाली नदियां हैं, 12 मासी नित्यवाहिनी, सदावाहिनी, कामधेनु, मानव गंगा, चरणवती के नाम से भी इसको जाना जाता। ये राजस्थान की सबसे लंबी नदी है दोस्तों, अपवाह की दृष्टि से सबसे लंबी है। कितना जल लेके जाती है दोस्तों? 20.90% सतही जल राजस्थान में कुल कितना है? 1.16। उसमें से सबसे ज्यादा कौन लेके जाता है? चंबल नदी। सबसे ज्यादा कंदराओं का निर्माण कौन करता? तो कोटा में। कितना? 1,00,000 करोड़, और 1,80,000 के आसपास यहाँ पर ये बूंदी में करता। सबसे ज्यादा अवनलिका यानी जल द्वारा मिट्टी का कटाव किसके द्वारा होता है? तो चंबल नदी के द्वारा दोस्तों होता है। इसके अलावा जो इसके जो उपनाम है, मैंने आपको कहा था
कि ये चित्तौड़ में राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है? चित्तौड़ से करती है। किस जगह से? भैंसरोड। पर्टिकुलर स्थान का क्या नाम है? चौरासीगढ़। और यहीं पर ये चूलिया जलप्रपात बनाता है जो 18 मीटर है, या इसको हम 54 फीट कह सकते हैं। इस प्रकार चित्तौड़ से निकलकर ये कोटा, कोटा से निकलकर बूंदी, बूंदी से सवाई माधोपुर, फिर करौली, धौलपुर। तो ये राजस्थान के जो अंदर बहती है दोस्तों वह 135 किलोमीटर की, राजस्थान के अंदर कितनी बहती है? 135 किलोमीटर। और 252 ये वापस आगे चली जाती है और 241 किलोमीटर सीमा बनाती है। और कुल लंबाई कितनी है ये आप देख लो आप इसको, ठीक है? और सीमा कितनी बनाती है? 200 एकड़। ये सबसे ज्यादा भारत में बनाई हुई किसी नदी के द्वारा सीमा है दोस्तों। तो ये ध्यान रखना, हमारे राजस्थान की दो नदियां जो 12 मास बहती है, एक दोस्तों चंबल, कौन सी हो जाएगी? चंबल। और एक हो जाएगी दोस्तों माही। तो आप इसका ध्यान रखना दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों ये थी हमारी चंबल नदी जिस पर बनने वाले प्रश्न। और इसके जो सहायक नदियाँ दोस्तों वह है बामनी, बामनी है, मेज है, कुंजाली है, ठीक है, कुराल है, खोड़ा पछाड़ है, मांगली है, इधर से आने वाली जो नदियां है वो काली से काली सिंध है, आऊ है, परवन है, नेवच है, पार्वती है, कुनू है। इन नदियों के ऊपर जो चंबल की जो सहायक नदियां दोस्तों उसको मैं अगले वीडियो में यानी कि कल लेके आऊँगा दोस्तों। तो एक तरीके से ये वापस पूरा का पूरा इसमें अपना रिपीट होगा। तो दोस्तों अगर मेरी क्लास आपको बहुत अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करें। नमस्ते दोस्तों।